नमस्कार किसान भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान, आज दिनांक 13 फरवरी 2024, हमें इंदौर चौतरा मंडी में। किसान भाइयों, ये वीडियो हमारा आवक वाला है, तो इसमें मैंने आपको तीनों ही फसलों की, लहसुन प्याज आलू, तीनों की बताई है। तो आप देखिएगा जिसकी बड़ी है उसकी कितनी बड़ी है आवक है, और जिसकी कम है उसकी कितनी कम रही है आज। उसे प्याज की आवक है थोड़ी बहुत 19 जरूर लग रही है, बाकी मैंने आगे वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज ऐसे ही इंदौर मंडी की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं आज की आवक। देखिए सन भाइयों, आज की हम पहले आलू की आज की आवक की बात कर ले, तो आप देखेंगे कि आलू की आवक है कल के मुकाबले आज थोड़ी सी कम लग रही है। कह सकते हैं आलू की आवक क्या थोड़ी सी 19 रही है। देखिए आप, आलू का जहां एरिया फुल फाल था आज वहां कम है, देख सकते हैं आप। आगे भी देखिए आप, इतना माल जमा नहीं है। वैसे टाइम जरूर है, अभी 9 बजे चालू होगी नीलामी और अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे का, बाकी फिर भी जो आलू की आवक कल थी वो तो नहीं है। कह सकते हैं मोटा मोटा 25-30 के बीच में आलू की आवक रही है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर लहसुन का जो एरिया है वो लग रहा है थोड़ा बहुत बड़ा हुआ। यहाँ पर हमको प्राइवेट में या कह सकते हैं इस क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि लहसुन की आवक थोड़ी बहुत यहाँ पर तो बड़ी हुई लग रही है, बाकी हम आगे देखेंगे क्या रहता है। चलिए देखिए, यहाँ पर तो ठीक ठाक है, जो है कल थी लगभग वही आवक है। बाकी देखिए आप, आलू की तो आवक हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत कम, वाकई में है कम, पर कुछ माल अभी उतर भी रहा है। देखिए यहाँ पर भी लहसुन की आवक वही लग रही है, अभी तो उस क्षेत्र में लगी थोड़ी सी कि आवक बड़ी हुई है, बाकी यहाँ ठीक ठाक वही है। देखिए अब हम सरकारी मंडी में, यहाँ पर भी यहाँ लग रहा है ऐसा लगभग कल की आवक ही है। देखिए एक फड़ ये है, एक फड़ इसके उस साइड है। दादा आज कहीं लेके आया हो? लसन लेके आया हो, सरकारी है प्राइवेट में? सरकारी। कितना कट्टा लेके आया हो? 15 कट्टा। दादा अपन कितना कट्टा लेके आया? 15 कट्टा। कौन सी वेराइटी लाया हो आज? अमरेटा। क्या एवरेज एवरेज दे रही अभी बिघा को अपने? 20 कट्टा ही निकली रही, मतलब एवरेज तो कम है। अपने अपने का एवरेज दे रही लसन अभी? यो एवरेज है। चलो देखिए, यहाँ तो किसान भाइयों वही आवक है, थोड़ी बहुत कई जगह लगा है प्राइवेट में, थोड़ी बहुत बड़ी हुई, बिल्कुल माइनर बड़ी हुई लग रही है। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि गेट 9 बजे तक चालू रहता है, कल भी थोड़ी बहुत आवक के बाद में बड़ी थी, तो कह सकते हैं आज भी 35,000 कट्टों के लगभग की आवक लहसुन के किसान भाइयों इंदौर मंडी में रही है। 35,000 कट्टों के लगभग की आवक रही है। देखिए एक ये फड़ और इन फड़ों में दो या तीन मान सकते हैं, इनमें सरकारी का माल उतरता है, लहसुन का वही माल है लगभग कल वाला। देखिए अब प्याज की आवक है यहाँ पर है, और प्याज की आवक है देखिए किसान भाइयों तो कम लग रही है। देखिए अब ये बेल्ट यहाँ पर पूरा ही खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर यहाँ कल मैंने आपको बताया था गुजरात का जो माल था वो यहीं था, आज तो खाली है। देखिए फिर भी ये दिए गुजरात या पुणे का बेल्ट लग रहा है, पुणे का ही माल है, 509 कट्टे का लाट है, आप देख सकते हैं। फिर भी ऐसा है कि बाहर का माल तो भी आ रहा है, गुजरात पुणे साइड का माल आ रहा है। देखिए ये भी एक गुजरात की गाड़ी है, छोटी गाड़ी लग रही है, 280 कट्टे का लाट है। देखिए छोटी गाड़ी है, बाकी आवा के काम है प्याज की कह सकते हैं आज। हम प्याज की आवा की बात कर ले सर भैया, तो मानिए वही 25,000 कट्टों के लगभग की आवा के मानिए आप, तो मोटा मोटा तीनों की आवा की बात कर ले अब। तो आलू की आवक भी आप 25-30 मान सकते हैं, लहसुन की आवक 35,000 कट्टों के लगभग की आवक है किसान भैया, और इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ोतरी और हो, 35-38 की आवक आप मान सकते हैं।
बाकी प्याज की आवक की बात करें तो प्याज की आवक के काम है मोटा मोटा कह सकते हैं इसमें हम 25,000 कट्टों के लगभग की आवक आज इंदौर मंडी में रही है।